भी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स बस हम अभी जा रहे थे मेरे मदर इन लॉ के घर, मम्मी के घर जा रहे हैं क्योंकि कल सैटरडे संडे, तो वही सोचा कि चलो घूम के आते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आते हैं क्योंकि डुगू को चाचू की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी, है ना डुगा। तो फ्रेंड्स बस हम निकल चुके हैं क्योंकि ऑन द वे है, हाफ रास्ता मतलब हमने पार कर लिया अभी हाफ है, ठीक है। तो बस वही है, देखते हैं वहाँ पर जाके क्या करेंगे आज। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूध को उबालने के लिए रख दिया है, मैंने यहाँ पे हाफ लीटर दूध लिया हुआ है, ठीक है। और ये है समक के चावल, समक के चावल को मैंने तीन पानी से ना अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब पाउडर या कुछ हो तो अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाए। तो मैंने समक को ये खा रहे है पनीर के पकौड़े, जो बहुत ही टेस्टी एंड इजी रेसिपी है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे, ठीक है, तो प्याज लहसुन वाला खाया नहीं जाता, तो हमने सोचा चलो हम घर पे ही बना ले। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पकौड़िया है, वो तलने के लिए मैंने रख दिए, यहाँ पे थोड़ी सी पकौड़िया हमने कर लिए है पनीर के, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने लिया था, ये हमने बेसन लिया हुआ है, ठीक है, बेसन में हमने थोड़ा सा मैगी मसाला मिक्स किया है, नमक मिर्च हल्दी एंड हिंग पाउडर, ठीक है, उन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करके हमने पानी डाल दिया जितना चाहिए, और इतनी ठीक कंसिस्टेंसी हमने रखी है ताकि हमारे पकोड़े है वो अच्छी तरह से बने, ठीक है। और फिर हमने लंबे लंबे पीसेस में, देख सकते हो लंबे लंबे पीस में फ्रेंड्स हमने पनीर को है ना कट कर लिया है ऐसे, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर हमारे पकौड़े हैं वो रेडी हो चुके। तो बस हमारे इतने पकौड़े रेडी हो चुके हैं और बस हम ये पकौड़े रेडी कर रहे हैं। और ये हमारे पकोड़े यहाँ पे तले जा रहे हैं सारे, ठीक है। और यहाँ पे और हम थोड़े से बनाएंगे वो ब्रेड के पकोड़े बनाने वाले, ठीक है, नॉर्मल ब्रेड के। हमने ये ब्रेड को मतलब जो मैदे वाली ब्रेड आती है उसको हमने ऐसे चार पीसेस में कटिंग कर लिया है, ठीक है। कटिंग करने के बाद ये बेटर में हम मतलब कोटिंग करके उसके भी पकोड़े बनाएंगे। और ये हमने थोड़ी सी मतलब कुट्टू के आटा की पूरियां बना दी है, कुट्टू के आटा एंड आलू मिक्सिंग करके व्रत की। और फ्रेंड ये हमारे पनीर के पकोड़े देख सकते हो, ठीक है, पूरा पनीर से स्टफ हुआ हुआ है, ठीक है, देखो कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है, लेयर भी इसकी और पनीर बिल्कुल अंदर से पूरा अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड ऑन किया है। तो प्लीज आप भी एक बार ये जरूर बनाना, मैगी मसाला मिर्च नमक हल्दी एंड बेसन उन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके पनीर को ऐसे स्लाइस में कटिंग करके ऑयल में फ्राई कर लो, बहुत ही टेस्टी ये पनीर के पकोड़े बनते हैं, बच्चे को भी बहुत टेस्टी लगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो ब्रेड के पकोड़े थे वो भी तलने के लिए रख दिए, ठीक है, मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में मतलब ब्रेड को कट कर लिया, ठीक है। और ये इतना लिक्विड सा मैंने बैटर रखा है इसको, देखो ये थोड़ा सा लिक्विड सा रहेगा, वो थोड़ा ठीक था पनीर के पकोड़े के लिए, और ये पतला वाला है, ठीक है। तो बस वही है, ऐसे देखो पूरी साइड उसको कोटिंग करके अब हम तलने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो हमारे पकौड़िया है वो, और ये फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ, आप मॉर्निंग में बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी क्योंकि ये बिना स्टफ की रहती है तो खाने में बहुत ही मतलब क्रिस्पी सी एक टेस्ट आएगा ब्रेड के साथ इसका। तो श्योर एक बार आप जरूर बनाना इसको।